किड्स, तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे से इयररिंग, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया। मैंने कार्डबोर्ड पे दो राउंड सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक छोटा एक बड़ा। आप किसी भी टेप या किसी भी बॉटल की मदद से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद मैंने दोनों को कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने जरी वर्क का फैब्रिक लिया। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, आप कोई वेलवेट या कोई भी सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से। अप्लाई करने के बाद मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरह से चिपका देना है। ऐसे हम दूसरे वाले कार्डबोर्ड पर भी फैब्रिक को चिपकाएंगे कुछ इस तरह से ग्लू अप्लाई करके। मैंने दोनों ही पीसेस पे फैब्रिक चिपका लिया। उसके बाद मैं ग्लू की हेल्प से इस पे कुछ इस तरह से सीक्वेंस ऐड करूंगी। छोटा सा फ्लावर बना दूंगी, आप चाहे कोई भी पैटर्न इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मैंने दोनों पीसेस पे अच्छे से सीक्वेंस को चिपका लिया। उसके बाद मैंने लिए दो आई पिंस, दोनों आई पिंस को एक साथ अटैच कर दूंगी कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं ग्लू लगा के आई पिन को कुछ इस तरह चिपका दूंगी। फिनिशिंग के लिए भी मैं इस पे फैब्रिक चिपका दूंगी कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें अपना दूसरा सर्कल उठाना है, उस पर भी मैंने ग्लू को अप्लाई करना है अच्छे से। ग्लू अप्लाई करने के बाद हमें आई पिन लगाना है, उसके ऊपर से हमें फिर फैब्रिक लगाना है। हमारे फैब्रिक से आई पिन अच्छे से स्क्वायर भी हो जाएगी और बैक फिनिशिंग भी आ जाएगी। हमारा ये प्यारा सा इयरिंग रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें ईयर स्टड लगा दिया है। तो हमारी ये ब्यूटीफुल से इयरिंग रेडी हो गया। इजी वे से कैसे लगे आप सबको? लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।